बॉलीवुड के लोग कितने बुजदिल हैं जो अपनी गलतियों को मानते ही नहीं है। गलतियां मानना इन्होंने सीखा ही नहीं है। ये जनता को बेवकूफ, मूर्ख और जड़बुद्धि समझते हैं, लेकिन देश की उसी जनता ने इन सभी को पूरी दुनिया के सामने बेवकूफ साबित कर दिया है। रणवीर सिंह की 83 अच्छी फिल्म बनी है, बुरी फिल्म बनी है, इसके बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। फिल्म कितनी चली है, उसका बिजनेस कितना हुआ है, ये डिपेंड कर रहा है, उसकी बातें हो रही है। वह ऐसा है कि ये फिल्म हो चुकी है बुरी तरह से फ्लॉप। इसका जो असली बजट है 270 करोड़ रुपए में बनी है और ये फिल्म जो है अभी तक सिर्फ 55 करोड़ रुपए ही कमा सकी है और 100 करोड़ पहुंचना तो बहुत दूर की बात लग रही है। इसके लिए जितने भी पेड मीडिया व्यूज, पेड क्रिटिक्स के जितने भी रेटिंग्स दिए गए थे और जितने भी ट्रेड एक्सपर्ट हैं और तो और बॉलीवुड ने भी मान लिया है कि जी हाँ, ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। चाहे फिल्म कितनी भी अच्छी बनी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिल्म अच्छी बनी है, लेकिन इस फिल्म को जब कोई देखने ही नहीं गया तो सिनेमाघरों के हिसाब से तो ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप ही हो गई है। यहाँ पर रणवीर सिंह के स्टारडम की भी बात नहीं हो रही है कि उनके पास कितने पैसे हैं और वो कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। अब 83 के जो मेकर्स हैं, इन्होंने सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के ऊपर। इनका ये कहना है कि ओमिक्रॉन के चलते दर्शक जो है वो सिनेमाघरों में नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ ओमिक्रॉन है, कोरोना है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी साउथ की फिल्म पुष्पा और स्पाइडरमैन को देखने के लिए दर्शक अभी भी सिनेमाघरों में जा रहे हैं। मैंने खुद भी स्पाइडरमैन जाकर सिनेमाघर में देखी और सिनेमाघर में मैं एक हफ्ते के बाद गया था स्पाइडरमैन को देखने के लिए। उसके बाद भी वही भीड़ थी, वही जोश था लोगों के बीच में। और वहां के स्टाफ से जब मैंने पूछा कि बॉलीवुड की फिल्मों का क्या रिस्पांस है, तो उनका ये कहना है कि बॉलीवुड की फिल्मों का रिस्पांस बहुत ठंडा है। हमने सोचा था थोड़ा बहुत तो बिजनेस करेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा ही ठंडा है। सूर्यवंशी के टाइम पर भी थिएटर्स खाली थे, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। मैंने ये बातें कही थी कि बुक माई शो के ऊपर भी थिएटर्स खाली दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहे थे कि 200 करोड़ कमाई है। चले मान लेते हैं कि आपके हिसाब से 200 करोड़ कमाई है, लेकिन सिनेमाघर के जो स्टाफ हैं उनका ये कहना है कि थिएटर्स खाली थे सूर्यवंशी के टाइम पर भी, बॉलीवुड की फिल्मों को देखने के लिए कोई जा ही नहीं रहा है। देखिये, ये लोग असली वजह मान ही नहीं रहे हैं। ये लोग सारा का सारे ठीक रहा ओमिक्रॉन के ऊपर फोड़ रहे हैं, जो इसके मेकर्स हैं 83 के। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पांच वजह जो है वो आप छोटे से शब्दों में यहां पर समझ सकते हैं। सबसे बड़ी वजह है सुशांत सिंह राजपूत का केस, जिसके चलते बॉलीवुड को लगातार बॉयकॉट किया जा रहा है, इनकी फिल्मों को बॉयकॉट किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है दीपिका पादुकोण सुशांत सिंह राजपूत की मौत के तुरंत बाद ही डिप्रेशन का ज्ञान देने के लिए वीडियो बनाकर चली आई और ये कहते हुए नजर आए कि आप लोग आत्महत्या मत करिए, अगर आप डिप्रेशन में हैं मेरे पास आइए, मैं आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम करूंगी। जबकि ये खुद भी डिप्रेशन का शिकार रह चुकी है, ऐसा इन्होंने कहा था। जबकि दीपिका जो बोल रही है कि वो डिप्रेशन में थी, उस दौरान ये कई सारी फिल्में कर रही थी, देश विदेश की यात्रा कर रही थी, तो ये इनका एक ढोंग था एक तरह का। तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि दीपिका पादुकोण जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी नजर आई थी 5 करोड़ रुपए लेकर, जो एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद ने बताई थी। उस बातों का आधार लेते हुए मैं ये बात कह रहा हूं, अपने मन से नहीं कह रहा हूं। तो ये वहां पर खड़ी हुई थी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में, जिसके बाद इनकी छपाक फिल्म है जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी और इनका विरोध किया जाने लगा, क्योंकि देशद्रोही देश विरोधियों के साथ खड़े हो गए तो यही हश्र होने वाला है। चौथी सबसे बड़ी वजह है कि रणवीर सिंह, जो कि कई ऐसे मौके हैं जहां पर सुशांत सिंह राजपूत को इग्नोर करते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए दिखे थे। कई सारी पुरानी वीडियोस हमारे सामने आई थी, चाहे वो करीना कपूर हो, चाहे वो बाकी के स्टार्स हो, ऐसे कई वीडियो सामने आए थे। पांचवी सबसे बड़ी वजह है कबीर खान। इन्होंने जो बात कही थी कि मुगल इस देश के महान शासक थे, मुगलों ने इस देश का कल्याण किया था, मुगलों ने इस देश में बहुत ही अच्छा काम किया था, मुगलों को महान बताने का काम कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो आतंकवादी मुगल इस देश में कितने लोगों की हत्या करने के जिम्मेदार हैं, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के जिम्मेदार हैं, कितने ही मंदिरों को तोड़ दिया, ये बातें नहीं कहते। यही सारी वजह है जिसके चलते 83 270 करोड़ खर्च करने के बाद भी 50 करोड़ तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गई, 100 करोड़ तो दूर की बात है। ये OTT में भी बेचेंगे तो ठीक है, मैं कहता हूं इतना बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। अगर OTT पे बेचेंगे भी तो कितने में बेचेंगे, ये कुछ समय बाद पता चल जाएगा।